दोस्तों, खबरी बॉस के ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खबर है दोस्तों, सिटीजनशिप बिल पर शिवसेना का यूटर्न, उद्धव बोले राज्यसभा में नहीं करेंगे समर्थन। दोस्तों, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लेकर शिवसेना ने यूटर्न लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन बिल पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि जब तक सब कुछ साफ नहीं होता वह बिल का समर्थन नहीं करेंगे। बता दें कि लोकसभा में शिवसेना ने इस विधेयक का समर्थन किया था। सोमवार को यह विधेयक लोकसभा में पास हुआ था, बुधवार को राज्यसभा में यह बिल पेश हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यदि कोई भी नागरिक इस विधेयक से डरता है तो उसकी शंकाओं को दूर करना चाहिए। वे हमारे नागरिक हैं, इसलिए उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। राज्यसभा में पेश होने से पहले हमने बिल में कई बदलाव का सुझाव दिया है। यह धारणा बदलने की ज़रूरत है कि भाजपा और जो इस बिल का समर्थन करता है वह देशभक्त है। नागरिकता संशोधन बिल पर लोकसभा में शिवसेना के सवाल का उत्तर नहीं दिया गया। खबर है दोस्तों, सिटीजनशिप बिल को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर, राहुल बोले भारतीय संविधान पर हमला। दोस्तों, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि यह बिल भारतीय संविधान पर हमला है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक भारतीय संविधान पर हमला है, जो भी इसका समर्थन करता है वह हमारे राष्ट्र की नींव को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। बता दें कि यह बिल लोकसभा में सोमवार को पास हो गया था, राज्यसभा में यह बिल बुधवार को पेश हो सकता है। सदन में इसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन सरकार ने इस बिल को पास करा लिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इसे लेकर सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने भी इसे लेकर दो ट्वीट किए। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि सोमवार आधी रात को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पारित करके भारत के बंटवारे की पुष्टि कर दी गई। हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए जान की बाजी लगाई थी। इसमें समानता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया था। खबर है दोस्तों, धोनी और विराट की जोड़ी ने सोशल मीडिया पर मचाया हंगामा, बना डाला साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मौजूदा कप्तान विराट कोहली की जोड़ी बेहतर शानदार है। इन दोनों ने मैदान पर तो कई रिकॉर्ड बनाए हैं और अब इस जोड़ी ने सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचाया। कोहली ने धोनी को ट्विटर पर जन्मदिन की बधाई क्या दी। उनके चाहने वालों ने इसे वायरल कर दिया। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पूर्व कप्तान धोनी की बहुत इज्जत करते हैं। कोहली पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पहली बार धोनी की कप्तानी में उन्होंने खेला था और वो हमेशा ही उनके कप्तान रहेंगे। आज भी कई किसी मैच के दौरान जब कोहली को परेशानी होती है तो वह तुरंत ही धोनी के पास सलाह लेने पहुँच जाते हैं। कभी जब धोनी देखते ही हैं कि कोहली परेशानी में है तो वो मैदान पर उनको जाकर सलाह देने से नहीं चूकते हैं। दोस्तों, कोहली और धोनी की जोड़ी सिर्फ मैदान पर ही हिट नहीं है, बल्कि मैदान के बाहर सोशल मीडिया पर भी इनकी एक सुपरहिट है। ट्विटर इंडिया ने इस बात की जानकारी दी है कि कोहली और धोनी की जोड़ी इस साल सबसे ज़्यादा हिट रही। उन्होंने बताया कि धोनी के जन्मदिन पर जो कोहली ने ट्वीट किया था वो सबसे ज़्यादा रीट्वीट किया जाने वाला मैसेज रहा। दोस्तों, कोहली ने 7 जुलाई 2019 को धोनी के जन्मदिन पर उनके शुभकामना संदेश दिया था। उन्होंने लिखा था, माही भाई जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत कम लोग ही भरोसा और विश्वास का यह सही मतलब जानते हैं। मुझे खुशी है कि ऐसा एक दोस्ती का रिश्ता मेरे पास है। मेरे साथ आप काफ़ी सालों से हैं। हम सभी के लिए बड़े भाई जैसे हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप हमेशा ही मेरे कप्तान रहेंगे। खबर दोस्तों, ट्रेलर रिलीज के दौरान स्टेज पर सबके सामने रोने लगी दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। 2 मिनट 19 सेकंड की इस ट्रेलर को देखकर ना सिर्फ फैंस भाग हुए बल्कि दीपिका पादुकोण खुद भी रो पड़ी। ट्रेलर रिलीज इवेंट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दीपिका काफ़ी भावुक नज़र आ रही हैं। दीपिका इतनी ज़्यादा भावुक हैं कि वो स्टेज पर कुछ बोल तक नहीं पा रही हैं।
वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेलर रिलीज होने के बाद दीपिका स्टेज पर आती हैं। दीपिका कहती हैं, मैंने सिर्फ इस पल के बारे में सोचा था, आप लोग ट्रेलर देखेंगे और फिर हमें स्टेज पर आना है, इसके बाद हमको कुछ बोलना पड़ेगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जब भी मैं ट्रेलर देखती हूँ तो, और इस लाइन के बाद दीपिका बहुत इमोशनल हो जाती हैं और कुछ बोल ही नहीं पाती। इसके बाद फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार उनकी बात को पूरा करती हैं दीपिका और मेघना के साथ। इस दौरान फिल्म के लीड एक्टर विक्रांत मैसी भी मौजूद थे। खबर है दोस्तों, तालिबान नेताओं ने अफगानिस्तान में जंग बंद करने के लिए अमेरिका के सामने रखा है विकल्प। दोस्तों, तालिबान अफगानिस्तान में अपनी शर्तों पर युद्ध बंद करने के लिए तैयार है। इसके लिए उनकी ओर से अमेरिका को दो विकल्प भी दिए गए हैं। इसके तहत तालिबानी नेता ये कह रहे हैं कि यदि अमेरिका उनके खिलाफ अभियान रोक दें तो वो पूरी तरह से युद्ध बंद करने को तैयार हैं। दूसरा विकल्प यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान में जिन जगहों से अपनी सेना को हटा लेगा वहां पर वो हमले नहीं करेंगे। अब ये अमेरिका को तय करना है कि वो इन दोनों में से किस विकल्प पर विचार करता है या फिर वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। इस बीच अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि पाकिस्तान अगर अपने यहाँ तालिबान को पनाह देना बंद कर दे तो कुछ हफ्तों में ही अफगानिस्तान में जारी युद्ध समाप्त हो जाएगा। उनका कहना है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त करने के लिए तालिबान के बजाय पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ बातचीत कर हम गलती कर रहे हैं, हमें इस मामले में सीधे पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। यदि पाकिस्तान तालिबान को अपने यहाँ पनाह देना बंद कर दे तो अफगानिस्तान में कुछ सप्ताह में ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। अमेरिका ने बीते शनिवार को ही कतर में तालिबान से एक बार फिर बातचीत शुरू की है। दोस्तों, मालूम हो कि करीब 3 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर किसी भी तरह की बातचीत बंद कर दी थी। तालिबान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसके शांति करार की संभावनाएं इस बार मजबूत हैं। तालिबान को इतना विश्वास है कि क्रिसमस या नए साल के शुरू तक अमेरिका इस करार के होने का ऐलान भी कर देगा। बड़ी खबर दोस्तों, चुनाव के बीच बीजेपी की बड़ी कार्रवाई, सरयू राय समेत 20 नेताओं को पार्टी से निकाला, अनुशासन तोड़ने वालों को बाहर का रास्ता। दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनावों के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने बागियों पर कड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे बागी सरयू राय को पार्टी से निकाल दिया गया है। सरयू राय समेत 20 नेताओं को 6 साल के लिए भाजपा से निष्कासित किया गया है। बताया जा रहा है कि चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों पर संगठन ने पहला चाबुक चलाया है। अनुशासन के लपेटे में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने वाले ऐसे नेताओं की संख्या अभी और बढ़ सकती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बागी हो चुके वरिष्ठ नेता सरयू राय समेत 20 नेताओं को पार्टी से 6 साल के निष्कासित कर दिया है। पार्टी से निकाले जाने वाले वालों में सरयू राय के साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत काले व पूर्व विधायक बड़कुंवर गगराई के अलावा महेश सिंह, दुष्यंत पटेल, अमित यादव, सुबोध श्रीवास्तव, असीम पाठक, रजनीकांत सिन्हा, सतीश सिंह, रामकृष्ण दुबे, डीडी त्रिपाठी, राम नारायण शर्मा, रतन महतो, हरेराम सिंह, मुकुल मिश्र, सर्वेश सिंह, संजय सिन्हा, मिथिलेश पाठक और त्रिभुवन प्रसाद भी शामिल हैं। दोस्तों, बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा के निर्देश भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने सोमवार को इन नेताओं पर कार्रवाई से संबंधित आदेश जारी किया। पार्टी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने से लेकर नामांकन और मतदान के दिन तक पार्टी के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। मतदान संपन्न होते ही प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रथम सूची में लगभग 1 दर्जन लोगों पर निष्कासन की कार्रवाई हुई है। खबर है दोस्तों, ड्यूटी पर आए जवानों से जानवरों जैसा सलूक, कंपनी कमांडर की चिट्ठी से हड़कंप। झारखंड में विधानसभा चुनाव कराने आए सुरक्षा बलों की आपसी फायरिंग में 3 अफसरों और 1 जवान की मौत ने जहां पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को हिला दिया है, वहीं एक बार फिर से देश में अर्धसैनिक बलों के जवानों के स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर बहस छिड़ गई है। छुट्टी और खाने पीने की मामूली बातों पर अपने ही साथियों के खून के प्यासे बन रहे सुरक्षा कर्मियों ने बीते एक पर एक दो वारदातों को अंजाम देकर सनसनी मचा दी। रांची के खेलगांव सीआरपीएफ कैंप में पहले छत्तीसगढ़ आर्म
फोर्सेज के जवान ने छुट्टी नहीं मिलने पर अपने कंपनी कमांडर को गोली मार दी और फिर खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं बोकारो के गोमिया में खाने पीने से शुरू हुए विवाद में जवान और अफसरों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें मौके पर ही दो अफसरों की मौत हो गई जबकि चार जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। ताज़ा मामला CRPF 222 बटालियन के कंपनी कमांडर से जुड़ा है जिसमें उसने CRPF के दिल्ली मुख्यालय व राज्य अथॉरिटी को चिट्ठी लिखकर अर्धसैनिक बल के जवानों से जानवरों जैसा सुलूक किए जाने की बात कही है। चुनाव कराने झारखंड आए CRPF 222 बटालियन के कंपनी कमांडर ने CRPF के दिल्ली मुख्यालय व राज्य अथॉरिटी से लिखित रूप में शिकायत की है। बताया गया है कि 7 दिसंबर को उनके बटालियन के जवान दूसरे फेज का चुनाव संपन्न कराकर लौटे तो उन्हें स्थानीय सहायता व पानी तक नहीं मिली। उन्हें वाटर कैनन से पीने व खाना बनाने के लिए पानी दिया जा रहा है जिसका उपयोग आग बुझाने वाले दमकल में किया जाता है। इसे अमानवीय व्यवहार बताया गया है।